बात उस समय की है जब भगवान श्री राम ने जनकपुर में धनुष तोड़ा था। उस समय विदेह राजा जनक रघुकुल शिरोमणि राजा दशरथ को पत्र भेजते हैं, तो सुनिए किस तरह। कि रघुकुल के शिरोमणि, अरे रघुकुल के शिरोमणि राजा को परवाना जनक ने भेजा। रघुकुल के शिरोमणि राजा को परवाना जनक ने भेजा। राजा जनक ने एक दूत को परवाना दिया और दूत परवाना लेकर चलता है। कैसे? लेकर दूत अवध को आया, लेकर दूत अवध को आया, उत राजा ने नगर सजवाया। अरे खोला है खजाना, खोला है खजाना, माजा को परवाना जनक ने भेजा। रघुकुल के शिरोमणि राजा को परवाना जनक ने भेजा। तो मेरे बंधु, इधर तो दूत परवाना लेकर अयोध्या को रवाना हो जाता है और उधर राजा जनक ने नगर में ऐलान कर दिया कि अच्छे अच्छे से कारीगरों द्वारा नगर की सजावट कराई जाए। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है राजा जनक का वो नगर, जिसकी शोभा का वर्णन हजारों मुखों से भी नहीं किया जा सकता। कैसा है? मणियों से मंडप सजवायो, मणियों से मंडप सजवायो, गज मोतिन को चौक पुरायो। अरे सुख भारी मिला है परजा को परवाना जनक ने भेजा। रघुकुल के शिरोमणि राजा को परवाना जनक ने भेजा। कैसा है राजा जनक का वो नगर, जिसकी शोभा का वर्णन नहीं किया जाता। दोस्तों शोभा कछु वर्णी नहीं जावे, शोभा कछु वर्णी नहीं जावे, घर घर कामिन मंगल गावे। अरे मिले सबने, ओ मिले सबने कियो है राजा को परवाना जनक ने भेजा। रघुकुल के शिरोमणि राजा को परवाना जनक ने भेजा। हाथ बंधो, जनकपुर में सभी नर नारी खुशियां मना रहे हैं। उधर अयोध्या में दूत पत्र लेकर पहुंचा तो पहरेदार ने पूछा, कौन हो तुम? जवाब मिला, भैया हम जनकपुर से आए हैं, महाराज दशरथ के लिए पत्र लाए हैं। पहरेदार ने तुरंत दूत को दरबार में हाजिर किया। महाराज दशरथ ने परवाना पढ़कर अपने हृदय से लगा लिया और क्या हुआ। तो यहां पर धुन बदलती है दोस्तों। राजा ने जैसे ही परवाना पढ़ा तो क्या हुआ कि शीतल भई छाती, अरे शीतल भई छाती, उन अपने खोले पड़ी है जब पाती। शीतल भई छाती, उन अपने खोले पड़ी है जब पाती। जनकपुर का हाल हवाल राजा ने जब पत्र में पढ़ा तो राजा के हृदय में खुशियों का सागर उमड़ बैठा। क्या हुआ?
और नपने पड़ी है हकीकत सारी, अपने पड़ी है हकीकत सारी, मन में मगन भये अति भारी। अरे के मैया मुस्काती। तीनों रानियां राजमहल में बैठी हुई है, पत्र को सुनकर बहुत खुश होती हैं। मैया मुस्काती, उन अपने खोले पड़ी है जब पाती शीतल भई छाती, जन अपने खोले पड़ी है जब पाती। दोस्तों राजा बहुत खुश हुए। तीनों रानियों को पता चला कि हमारे लाल ने जनकपुर में धनुष तोड़ा है, तो उनके हृदय में बहुत खुशी हुई। राजा ने क्या किया, अरे नपने दरबारी बुलवाए, नपने दरबारी बुलवाए, समाचार सबको बतलाए। अरे के धन मंगल गाती, ओ धन मंगल गाती, नपने खोले पड़ी है जब पाती शीतल भई छाती। क्या हुआ आगे, अरे खेलन गए लाडले छैया, वो खेलन गए लाडले छैया, भरत और शत्रुघ्न भैया। अरे के प्रजा सुख पाती, प्रजा सुख पाती, नपने खोले पड़ी है जब पाती। तो मेरे बंधु, अयोध्या में खुशियों का वातावरण गूंजने लगा, और उसी समय भरत और शत्रुघ्न बागों में खेलने चले गए थे, तो राजा ने उन्हें बहुत जल्दी बुलाया। दोनों भाइयों ने यह सुना कि पिताजी ने हमें जल्दी बुलाया है, तो दौड़कर महलों में आते हैं। क्या बात है पिताजी, ये इतनी खुशी, नगर में धूमधाम, क्या कोई आ रहा है? कोई आएगा तो पीछे, पहले हमें जाना है बेटा। कहाँ जाना है, कहाँ जाना है पिताजी, हमें तो बताओ। कहते हैं बेटा, तुम्हारे बड़े भाई राम ने सीता स्वयंवर में धनुष तोड़ा है जनकपुर में जाकर, हमें बारात लेकर चलना है। तो बारात की तैयारियां हो रही हैं। कैसे? हाँ, और सज के अबधपुर वासी बराती बने, और सज के अबधपुर वासी बराती बने आए जनकपुर में। अरे सज के अबधपुर वासी बराती बने आए जनकपुर में, क्या हुआ आगे? राजा जनक ने की अगवानी, राजा जनक ने की अगवानी, दोने नन से बरस रयो पानी, लागी प्रेम की गासी बराती बने आए जनकपुर में। सज के अबधपुर वासी बराती बने आए जनकपुर में।
मेरे बंधु, बारात की अगवानी के लिए राजा जनक पुरवासियों को साथ लेकर पहुंचे और दौड़कर ऐसे मिले मानो दो समुद्र मर्यादा छोड़कर मिले हों। जनक राजा की आंखों से प्रेम आंसुओं की धार बहने लगी और कैसे हर सुंदर सुगर दिया जनवासा, सुंदर सुगर दिया जनवासा, पूरन भइए जनक की आसा। सुंदर मिलिए सुख राशि, बराती बन आए जनकपुर में, सज के अवधपुर वासी, बराती बन आए जनकपुर में। हाथ बंधो, बहुत सुंदर जनवासा दिया है जहां सब प्रकार की सुविधा थी और क्या। सखियों ने मिल मंगल गाए, सखियों ने मिल मंगल गाए, दशरथ ने श्री राम बुलाए, अखियां दरस की प्यासी, बराती बन आए अरे आए जनकपुर में, सज के अवधपुर वासी, बराती बन आए जनकपुर में। मेरे बंधु, देव सुंदरियां फूल बरसा कर गीत गा रही हैं, देवता नगाड़े बजा रहे हैं, राजा दशरथ श्री राम को देखने के लिए व्याकुल हो रहे हैं। उधर श्री राम लक्ष्मण मुनि वशिष्ठ के साथ अपने पिता के पास ऐसे आ रहे हैं मानो सरोवर प्यासे की ओर लक्ष्य करके चला हो। मुनि को आते देखकर राजा ने प्रणाम किया, दोनों पुत्रों को हृदय से लगा लिया और कैसे। तो धन्य आज के रोज को और धन्य तिथि और बार, क्या आनंद का दिन मिला, झूम उठा संसार। बारात सकल तैयार हुई, घोड़े पर राम सवार हुए और रथ कामदेव भी शर्माए, जिस दम उनके श्रृंगार हुए। रति कामदेव भी शर्माए, जिस दम उनके श्रृंगार हुए। तो मेरे बंधु, जिस वक्त भगवान श्री राम को दूल्हा बनाया गया, उनके रूप का वर्णन नहीं किया जाता, जिसे देखकर कामदेव भी लज्जित हो गए। कैसी छवि थी भगवान श्री राम की, छवि का वर्णन दिया गया है कि बने दूल्हा अरे हां, बने दूल्हा छवि देखो भगवान की, दुल्हन बनी सिया जान की। बने दूल्हा अरे हां, बने दूल्हा छवि देखो भगवान की, दुल्हन बनी सिया जान की। उधर जानकी जी भी दुल्हन बनी है, कैसे। माथे सुंदर ताज विराजे, दो कानों में कुंडल राजे, माथे सुंदर ताज विराजे, दो कानों में कुंडल राजे, गलबे जंती माल विराजे। शोभा बरनी न जाए, शोभा बरनी न जाए, धनसवान की, दुल्हन बनी सिया जान की। बने दूल्हा अरे हां, बने दूल्हा
जब देख भगवान की दुल्हन बनी सिया जानकी। क्या हुआ? हाथों में कंगन पहनाए, सखियों ने मिल मंगल गाए। हाथों में कंगन पहनाए, सखियों ने मिल मंगल गाए, शोभा देख सभी हर्षाए। सज के आई बारात, सज के आई बारात, बड़े शान की दुल्हन बनी सिया जानकी। बने दूल्हा अरिया, बने दूल्हा, जब देखो भगवान की दुल्हन बनी सिया जानकी। आगे क्या हुआ? दशरथ जी मन में मुस्कावे, द्वार बराती मिलके जावे। दशरथ जी मन में मुस्कावे, द्वार बराती मिलके जावे, जनक राजियों वचन सुनावे। खातिर हम पे ना बने, खातिर हम पे ना बने, जल पान की दुल्हन बनी सिया जानकी। बने दूल्हा यरिया, बने दूल्हा, जब देख भगवान की दुल्हन बनी सिया जानकी, दुल्हन बनी सिया जानकी। मंडप की शोभा कौन कहे, मंडप क्या स्वर्ग बनाया है। मानो जगदम्बा रघुबर हित, ब्रह्मा ने इसे सजाया है। अति चका चौंद थी आंखों में, दृष्टि लखी स्वयं लजाती है। श्री राम की आंखों से मिलकर हर आंख बड़ा सुख पाती है। श्री मंडप में सिया जिस दम आई, मंडप में सिया जिस दम आई, प्रकाश और दुगना छाया। बतलाओ उपमा किसकी दें, ये अतिथि कभी ना लिख पाया। जिस समय मंडप में जानकी जी पहुंची और वेद की विधि से भगवान श्री राम के साथ भामर पड़ने लगी, तो उस समय कवि ने लिखा है, अरे पिया रघुबर जी के संग, और पिया रघुबर जी के संग परन लागी भामरिया। पिया रघुबर जी के संग परन लागी भामरिया। पिया रघुबर वेद रीत से पढ़े भमरिया, भामिन गीत सुनाए। वेद रीत से पढ़े भमरिया, भामिन गीत सुनाए। और जय जयकार भइए नभ में, देव सुमन बरसाए। परन लागी भामरिया, पिया रघुबर क्या हुआ? कर पराग ले रामचंद्र ने सीता के सिर धारो,
हर कर परागले रामचंद्र ने सीता के सिर धारो। और बनी सुहागन जनक दुलारी मुनि बर बेदी उचारो, परन लागी भामरिया पिया रघुबर जी के संग। तो गुरु ने भली प्रकार से और निबटाया सब काम, विधिवत पाणि ग्रहण का सुनिबटा काम तमाम। भगवान श्री राम का जानकी के साथ विवाह हो गया, उसी समय राजा जनक हाथ जोड़कर रघुकुल मणि दशरथ जी से बोले, हाँ मैं धन्य हुआ समधि इस दम, संबंध जोड़ तुमसे पाया, और पूरब के उदय संस्कार हुए तब विधि ने ये सब करवाया। कृपा करिए हर प्रकार तो विनती और सुनाता हूँ, लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न का हो जाए विवाह ये चाहता हूँ। हाँ तो मेरे बंधु, जब राजा जनक ने कहा, राजन मेरी तीन कन्या और हैं, अगर आपकी कृपा हो जाए तो तीनों राजकुमारों के साथ इनका विवाह कर दूं, तो बंधुओं राजा दशरथ ने यह बात स्वीकार की। भरत के साथ मांडवी, सुरथ कीर्ति शत्रुघ्न के साथ, और लक्ष्मण का विवाह उर्मिला के साथ विधि पूर्वक कर दिया। और राजमहल में कुंवर कलेवा के लिए चारों राजकुमारों को बुलाया गया, और कुमार कलेवा के समय स्त्रियां राजकुमारों से ठिठोली कर रही हैं और कह रही हैं, क्या कहो राम लला रघुकुल की रीत भली भांति, कहो राम लला, हाँ कहो राम लला रघुकुल की रीत भली भांति, कहो राम लला। कहो राम लला रघुकुल की रीत भली भांति, कहो राम लला, हाँ कहो राम लला रघुकुल की रीत भली भांति, कहो राम लला। मेरे बंधु, सखियां भगवान राम से ठिठोली कर रही और कह रही है, भगवान कामदेव जैसी छवि लगे तुम्हारी खास, कामदेव जैसी छवि लगे तुम्हारी खास, और मैया तुम्हारी कब गई उनके पास, मैया तुम्हारी कब गई उनके पास, पूरी करने को आस कैसे रूप मिला, हाँ कैसे रूप मिला रघुकुल की रीत भली बात, कहो राम लला, कहो राम लला रघुकुल की रीत भली बात, कहो राम लला। एक सखी बोली, पहले ये बताओ तुम्हारा रूप कामदेव की तरह सुंदर है, ये रूप तुम्हें कैसे मिला, क्या तुम्हारी मैया कामदेव के पास गई थी,
और बोली, और सुनो एक ललायत रज की बात, और सुनो एक ललायत रज की बात, और बहना तुम्हारी ब्याही गई मुनवर के साथ, ओ बहना तुम्हारी ब्याही गई मुनवर के साथ, नहीं देखी जात पात कैसे चलन चला, हाँ कैसे चलन चला, रघुकुल की रीत भली बात कहो राम लला, कहो राम लला, रघुकुल की रीत भली बात कहो राम लला। और बोली, बड़े अचरज की बात है कि तुम्हारी बहन श्रृंगी ऋषि के साथ ब्याही गई, ये विवाह तुम्हारी मर्जी से हुआ या वो भागकर चली गई? इतनी बात सुनकर लक्ष्मण जी बोल उठे, क्या कहते हैं? हम हैं रघुवंशी बैरागी जनक राज, कहने लगे तो संयोग की बात है, जहां जिसके भाग्य में जो होता है वही होता है, जैसे यही देखिए, हम हैं रघुवंशी बैरागी जनक राज, लिखा है जो विध ने कोई मेट नया, लिखा है जो विध ने कोई मेट नया, बने दूला रघुराज मानो कमल खिला, हाँ मानो कमल खिला, रघुकुल की रीत भली बात कहो राम लला, कहो राम लला, रघुकुल की रीत भली बात कहो राम लला। रघुवंशी और तुम्हारे पिता जनक बैराग्यवान और हमारी शादी तुम्हारे घर हुई, यह तो संयोग की बात है। अरे अचरज की बात तो यह है, लक्ष्मण जी अपनी सरहज सिद्ध से कह रहे हैं, अचरज की बात एक हमको दिखाए, अचरज की बात एक हमको दिखाए, तुमरो नाम पति लक्ष्मी निध कहाए, सिद्ध तुमरो नाम पति लक्ष्मी निध कहाए, किसने शादी दई कराए, कैसे योग मिला, हाँ कैसे योग मिला, रघुकुल की रीत भली बात कहो राम लला, कहो राम लला, रघुकुल की रीत भली बात कहो राम लला, कहो राम लला, रघुकुल की रीत भली बात कहो राम लला। तुम्हारे यहाँ तो पति का कोई काम ही नहीं है, तो कहती है क्या, अयबदपुर में तिरियों की बड़ी बिकट चाल, अबधपुर में तिरियों की बड़ी बिकट चाल, खीर खाए खाए के वो पैदा करें लाल, खीर खाए खाए के वो पैदा करें लाल, करती कैसा कमाल, भरी काम कला, भरी काम कला, रघुकुल की रीत भली बात कहो राम लला, कहो राम लला, रघुकुल की रीत भली बात कहो राम लला। बंधु कहने लगी, लाला तुम्हारी अयोध्या में तो नारियां खीर खाकर बिना पति के लाल पैदा कर लेती हैं,
तब तो भगवान कहने लगे कि तुम्हारे यहां तो माता पिता का भी काम नहीं है। और बोले हमरे कुल में ये सब प्यारी कबहू ना होते, हमरे कुल में ये सब प्यारी कबहू ना होते। और तुमरे तो बिटिया जाई खेत जोत जोत, और तुमरे तो बिटिया जाई खेत जोत जोत। ये सो कहू के ना होत, करे खुलम खुला रघुकुल की रीत भली बात। कहो राम लला हा, कहो राम लला। मेरे बंधु, तब तो सिद्ध की बहन लक्ष्मी निधि की साली चंद्रकला कहने लगी, क्या तो चंद्रकला कहने लगी, सुन लो रघुराई कि चंद्रकला कहने लगी, सुन लो रघुराई और कहां कैसे पाई ये तुमने चतुराई। चंद्रकला कहने लगी, सुन लो रघुराई कहां कैसे पाई ये तुमने चतुराई। चंद्रकला और बोली कि ये चतुराई कहां से सीखी है तुमने। वन में रहे मुनियों के संग दोनों भाई, वन में रहे मुनियों के संग दोनों भाई। क्या तुम्हारी बहना ने तुमको सिखाई, क्या तुम्हारी बहना तुमको सिखाई। बड़े चर और बड़े चर चंदी हो तुम दोनों भाई, कहां कैसे पाई क्या तुमने चतुराई। चंद्रकला कहने लगी, सुन लो रघुराई कहां कैसे पाई क्या तुमने चतुराई। चंद्रकला कहने लगी, लाला ये बताओ तुम तो वन में मुनियों के साथ रहे हो, फिर चतुराई ये छरछंदी बातें क्या तुम्हारी बहना ने सिखा दी। इतने में भरत जी बोल उठे, बोले भरत सुन लो तुम अबई हो कुआरी, बोले भरत सुन लो तुम अबई हो कुवारी। ऐसी बात करने की उम्र ना तुम्हारी, ऐसी बात करने की उम्र ना तुम्हारी। फिर किसके, फिर किसके संग रह के तुम सीख आई, कहां कैसे पाई क्या तुमने चतुराई। चंद्रकला कहने लगी, सुन लो रघुराई कहां कैसे पाई क्या तुमने चतुराई। चंद्रकला भरत जी कहने लगे, चंद्रकला अरे तुम तो अभी कुआरी हो,
फिर ये बातें किसके संग सीखी ये तो बताओ। तो उनकी सरहद सिद्ध कहने लगी, भरत जी तुम चुप रहो, तुमको क्या पता इस दुनिया का। कहने लगी क्या, साधु संत हो तुम क्या समझो ये बातें, साधु संत हो तुम क्या समझो ये बातें, होती है कैसी ये रंगीन रातें, होती है कैसी ये रंगीन रातें। भजन और पूजा में उम्र ये गमाई, कहाँ कैसे पाई ये तुमने चतुराई। चंद्रकला कहने लगी सुन लो रघुराई, कहाँ कैसे पाई ये तुमने चतुराई। चंद्रकला तो दोस्तों कहने लगी, लाला तुम तो अपनी भजन पूजा करो, तुम क्या जानो इन बातों में। भरत बोले चलो ठीक कहा तुमने, हम तो साधु हैं परहित करते हैं, अगर तुम्हारा कोई कार्य हो तो हमसे करवा लो, हम कर देंगे तुम्हारा कार्य। एक सखी बोली तुमसे कुछ नहीं बनता, अरे अपने भाई को देख लो। और बोली सुना है कि मोहित हुई मन में एक नारी, सुना है कि मोहित हुई मन में एक नारी, कुछ न बना तुमसे तो मार दी बिचारी, कुछ न बना तुमसे तो मार दी बिचारी। ताड़का कुमारी के सुरलोक में पहुंचाई, कहाँ कैसे पाई ये तुमने चतुराई। चंद्रकला कहने लगी सुन लो रघुराई, कहाँ कैसे पाई ये तुमने चतुराई। चंद्रकला मेरे बंधु। तो शत्रुघ्न जी कहने लगे, अरे आजमा कर देख लो हमसे कुछ बनता है या नहीं। दोनों तरफ से प्रेम रस में सनी हुई बातें हो रही हैं। उधर विदाई का समय हो गया, क्या हुआ तो आए विदाई के लिए, और तभी वहां रघुनाथ और बोली तब संकेत कर सीता जी की मां। भगवान श्री राम को पास बुलाकर रानी सुनैना कह रही है क्या, कर्तव्य पालन करके मैं ये भेंट समर्पण करती हूं, दासी चरणों की, दासी चरणों की कर रखना चरणों में अर्पण करती हूं। यदि भूल भी हो वे भूले में, चित में धरना तुम, यदि भूल भी हो वे भूले में, वे भूल न चित में धरना तुम। निज जान के दासी चरणों की अपराध क्षमा सब करना तुम, बंधु। जिस समय जानकी जी की विदाई होती है उस समय नगर में
नर नारियों की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। और इंसान तो क्या, जानकी जी ने तोता मैना की जोड़ी पाली थी। वह सोने के पिंजड़े में व्याकुल हो रहे हैं और कह रहे हैं, हाँ जानकी, हमें छोड़कर कहाँ जा रही हो। तो कवि ने लिखा है, एक पिंजरे में तोता रोए, एक में रोए मैना ओ मैना, और बैदे ही डोली में रोए, दिल को धीर बंधे ना बरसे नैना नैना नैना। एक पिंजरे में तोता रोए, एक में रोए मैना ओ मैना, और बैदे ही डोली में रोए, दिल को धीर बंधे ना बरसे नैना नैना नैना। डोली में जब सीता रोए, बाहर मात सुने ना ओ नैना, और बाबुल की दो अखियां रोए, दिल को धीर बंधे ना बरसे नैना नैना नैना। डोली में जब सीता रोए, बाहर मात सुने ना है नैना, और बाबुल की दो अखियां रोए, दिल को धीर बंधे ना बरसे नैना नैना नैना। मेरे बंधु, राजा जनक अपनी लाडली को विदा करते समय रो रहे और कहते हैं, क्या ना जो से पाली है तुझको, करके प्यार घनेरा, ना जो से पाली है तुझको, करके प्यार घनेरा, बगिया छोड़ के उड़ गई चिड़िया, करके रैन बसे, छोड़ के उड़ गई चिड़िया, करके रैन बसेरा, पल भर पर नचेना, कटे नहीं दिन रैना, पल भर पर नचे ना, कटे नहीं दिन रैना, है दुनिया की रीत यही, दुख पड़े सभी को सहना बरसे नैना नैना नैना। एक पिंजरे में तोता रोए, एक में रोए मैना ओ मैना, और बैदे ही डोली में रोए, दिल को धीर बंधे ना बरसे नैना नैना नैना। डोली में जब सीता रोए, बाहर मात सुने ना ओ नैना,
और बाबुल की दो अखियां रोए, दिल को धीर बंधे ना बरसे नैना बरसे नैना। डोली में जब सीता रोए, बाहर मात सुने ना ओ नैना, और बाबुल की दो अखियां रोए, दिल को धीर बंधे ना बरसे नैना नैना नैना। राजा जनक अपनी लाडली से कह रहे हैं क्या, जाओ मेरी राज दुलारी, दुख और सुख सब से ना, जाओ मेरी दुलारी, दुख और सुख सब से ना, सास ससुर की सेवा करना, सास ससुर की सेवा करना, सत के पथ पर रहना, अपना धर्म निभाना, प्यार पिया का माना, अपना धर्म निभाना, प्यार पिया का माना, है दुनिया की रीति यही, दुख पड़े सभी को सहना बरसे नैना नैना नैना। एक पिंजरे में तोता रोए, एक में रोए मैना ओ मैना, और बैदेई डोली में रोए, दिल को धीर बंधे ना बरसे नैना नैना नैना। मेरे बंधुओं, राजा जनक ने अपनी लाडली को नगर के नर नारियों सहित राजा दशरथ के साथ विदा किया। सारा नगर शोक समुद्र में डूब रहा है। राजा जनक अपने पुरवासियों को साथ लेकर राजा दशरथ को कुछ दूर निकालने के लिए चले आए और विदा करके वापस लौट जाते हैं। क्या होता है उधर? अब देश पति को पहुंचाने कुछ दूर जनक जी आए हैं, जब अवधपुरी में पहुंच गए आनंद के दीप जलाए हैं, तो मेरे बंधु राजा जनक ने मनमाना द्रव्य देकर राजा दशरथ को विदा किया है। इधर अयोध्या में खुशी के बादल छाए हुए हैं और सब लोग खुशियां मना रहे हैं। कैसे? हरि राम अवध में आए, जब राम अवध में आए घर बाजे बधाए, राम अवध में आए घर बाजे बधाए, बाजे बधाए घर बाजे बधाए,
अवध में आए गरबाजे बधाए, राम अवध में आए गरबाजे बधाए। मेरे बंधु, जब राम का विवाह होकर चारों पुत्र अयोध्या में आए बारात सहित, तो नगर में बधाई बज रहे हैं, नगर सजाया जा रहा है। और इसके साथ ही आपको मैं अपने कलाकारों से परिचय कराता हूं। हमारे इस प्रोग्राम में ढोलक पर साथ दे रहे हैं मास्टर रामवीर तूफानी, और हारमोनियम पर साथ दे रहे हैं मास्टर अशोक कुमार, और घड़ा पर साथ दे रहे हैं ठाकुर लक्ष्मण सिंह, और चिमटा पर साथ दे रहे हैं राधेश्याम त्यागी, और सहयोग दे रहे हैं हमारे बड़े भैया वीरबल सिंह यादव। क्या हुआ उधर? दशरथ द्वार सखी जुड़ आई, दशरथ द्वार सखी जुड़ आई, मौत ने चोट दिए पुरवाई, मौत ने चोट दिए पुरवाई, सखियों ने मंगल गाए, सखियों ने मंगल गाए, राम अवध में आए घर बाजे बधाए। चारों दुल्हन द्वारे आई, चारों दुल्हन द्वारे आई, जिनकी छवि मरनी ना जाई, पुरवासी मन हर साए घर बाजे बधाए, राम अवध में आए घर बाजे बधाए। मन मानो धन दान में दियो, मन मानो धन दान में दियो, देवा देवा सुमन बरसाए घर बाजे बधाए, राम अवध में। मेरे बंधु, राजा दशरथ ने मन माना द्रव्य दान में दिया, और सभी देवता फूलों की वर्षा करते हुए अपने अपने लोकों को चले गए। और क्या हुआ? पुरुषोत्तम गुरुदेव हमारे, पुरुषोत्तम गुरुदेव हमारे, राम सिंह यादव शरण तुम्हारे, राम सिंह यादव शरण तुम्हारे, परई गाम कहलाए घर बाजे बधाए, राम अवध में आए घर बाजे बधाए। हाँ तो बंधु, बधाई बज रहे हैं, भगवान का विवाह हुआ,
तो कवि ने लिखा है क्या, अरे राम को ब्याह भयो है नंगर में है रे मंगल चारे, राम को ब्याह भयो है नंगर में है रे मंगल चारे। और क्या हुआ के चारों बउवर घर आई, के चारों बउवर घर आई खुशी सब नंगर में छाई, खुशी सब नंगर में छाई। अरे बुलौआ नंगर दिबायो यार नंगर दयो वे नंगर के चुरी रहे नर और नारे, राम को ब्याह भयो यार ब्याह भयो वे नंगर में चुरी रहे नर और नारे। दशरथ मन मेरा मुस्काए, अरे निरपने दान दयो यार दान दयो वे अंबरम है रही जय जयकार, नंगर में है रे मंगल चारे। अरे आज मैंने तुमको दया सुना है राम को दीनो ब्याह सुनाए, जमूरत कैसे तुम्हें दयो गाए, जमूरत कैसे तुम्हें दयो गाए। अरे जान मोई गुरन दया